गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा। व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे, वी आर स्टार्टिंग टुडे चैप्टर नंबर 5 लर्निंग। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2 आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। दैट रिक्वेस्ट आई हैव रिसीव फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट मैम चैप्टर नंबर 5 एंड 2 आर नॉट अवेलेबल। सो लेट अस लर्न चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द हैंड रिटन चार्ट्स दैट आई हैव मेड फॉर ऑल ऑफ यू। इट इनकॉर्पोरेट्स SM एज वेल एज PM। PM भी है, SM भी इसमें, तो हम इससे करते हैं। दिस आर अभी इसमें एडिटिंग नहीं हुई है, ये पूरे एडिटेड चार्ट्स नहीं है, क्योंकि जो पूरे एडिटेड चार्ट है उनमें इस तरह से पूरी हाईलाइटिंग आपको मिलेगी, जैसे यहाँ पे है ऐसे पूरे हाईलाइटेड चार्ट्स होंगे। तो ये अभी पूरा हाईलाइटेड नहीं है, सिर्फ एडिटिंग यहाँ पे हाईलाइटिंग की वगैरह की बची है, तो हम साथ साथ में पढ़ते पढ़ते उसको कर लेंगे, ठीक है। So if anyone want the chart, they can contact on 7999-709-236 only WhatsApp. You can purchase the charts from here. Okay, so let us start with chapter number 5. Chapter number 5 में सबसे पहला section आता है system development. सिस्टम डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टम एनालिसिस, एक होता है सिस्टम डिज़ाइन। There are two major components in system development. There are two major components of system development: system analysis and system design. एक होता है system analysis, एक होता है system design. दो components होते हैं, कितने components होते हैं? दो component होते हैं, एक होता है system analysis and एक होता है system design. Fit it in your brain that there are two components when we study about system development. Analysis होता है एक, और फिर उसको design किया जाता है. So the process to gather facts, diagnose the problem, use information for system improvement. Analysis करना मतलब क्या? सारे के सारे information को आप gather करते हैं. Process to gather the facts and diagnose the problem. सारे फैक्ट्स देखेंगे, प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इन इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिस्टम डेवलपमेंट, और सिस्टम डेवलपमेंट में होता है सिस्टम में पहले आप एनालिसिस करेंगे, सिस्टम में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर सिस्टम को आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। पहले एनालिसिस होगा और फिर डिज़ाइन होगा। एनालिसिस में क्या करेंगे, फैक्ट्स को आप इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर द फैक्ट्स, क्या कर रहे हैं, किसको इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं फैक्ट्स को, और किसको डायग्नोस कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसे यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आता है सिस्टम का डिज़ाइन। सिस्टम का डिज़ाइन मतलब प्लान करना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करना है, टू प्लान द न्यू बिजनेस सिस्टम, नया सिस्टम लगाना या फिर इम्प्रूव करना या रिप्लेस करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एंटायरली न्यू सिस्टम लगाना या रिप्लेस करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को, या फिर उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूवमेंट करना। तो सिस्टम डिज़ाइन हो गया हमारा। सिस्टम डिज़ाइन क्या हो गया, सिस्टम डिज़ाइन दो कंपोनेंट्स हैं, आग बंद करके याद रखो, सिस्टम डिज़ाइन के दो कंपोनेंट है, एक होता है एनालिसिस जिसमें आप फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा होता है सिस्टम को डिज़ाइन करना कि नया जो सिस्टम बन रहा है, नया सिस्टम कैसा होगा, वो रिप्लेस करेगा, पूरा नया सिस्टम लगाना है, या फिर हमें इम्प्रूवमेंट करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम डेवलपमेंट है, इस सिस्टम डेवलपमेंट की क्या है अप्रोचेस, ये जो सिस्टम डेवलपमेंट है इस सिस्टम डेवलपमेंट की आती हैं अप्रोचेस, और उसमें हैं अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोचेस है, एक है आपका वाटरफॉल मॉडल। अप्रोच में कौन सा है, एक है वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल है, स्पायरल है, फिर आपका आता है रेड, फिर आपका आता है प्रोटोटाइप, और आता है इंक्रीमेंटल, और क्या आता है इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो कितने हैं, एक वाटरफॉल, स्पाइरल, रेड, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल। वाटरफॉल,
तो सबसे पहले वाटरफॉल, तो वाटरफॉल के की पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट एज इट इज़ दैट वाटरफॉल इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो क्या है, वाटरफॉल ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो की पॉइंट्स है वाटरफॉल क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, की पॉइंट्स क्या है वाटरफॉल क्या है, वाटरफॉल इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सी अप्रोच है वाटरफॉल, वाटरफॉल ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहाँ पे जो डेवलपर्स होंगे, डेवलपर्स जो होंगे डेवलपमेंट टीम के, तो डेवलपर्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे डिफरेंट फेजेस में, डेवलपर्स इन द डेवलपर्स ऑफ डेवलपमेंट टीम वर्क्स इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेज में काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, पहले तो रिक्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, फिर स्पेसिफिकेशन को समझा जाता है, फिर रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है, कोडिंग एंड फाइनल टेस्टिंग होती है। तो क्या है यहाँ पे, ये वाटरफॉल एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। वाटरफॉल कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे डेवलपर्स डेवलपमेंट टीम के डिफरेंट फेजेस में काम करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले समझना किसको, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, फिर स्पेसिफिकेशन समझना, फिर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइन करना ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया, स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए समझा, फिर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स, फिर उसकी कोडिंग की, और कोडिंग करके फाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हेयर एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है इस तरह से होती है कि जब तक प्रायर फेज आपका कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो एक्टिविटी सीक्वेंस में परफॉर्म की जाती है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रायर स्टेप, और जब प्रायर स्टेप कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट वाटरफॉल, अगर हम वाटरफॉल की बात करते हैं तो वाटरफॉल में क्या है, तो सबसे पहले वाटरफॉल कौन सी अप्रोच है, वाटरफॉल इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, वाटरफॉल क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहाँ पे डेवलपर्स जो हैं, यहाँ जो डेवलपर्स जो हैं, डेवलपर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम वर्क्स इन डिफरेंट फेजेस, ये डिफरेंट फेज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। थर्ड यहाँ पे इंक्लूड क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस होता है, किसका एनालिसिस होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिकेशन समझते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिकेशन समझते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन समझने के बाद डिज़ाइन होती है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरी कोडिंग करते हैं, एंड कोडिंग के बाद क्या होती है, टेस्टिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस में काम होता है, इसका मतलब जब तक प्रायर फेज कंप्लीट नहीं होगा, जब तक प्रायर फेज कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, डेवलपर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम वर्क्स इन डिफरेंट फेजेस, इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग। The system, this system works in what? This method works in sequential phase where the prior step is completed, then only the next phase start, and this is all about your waterfall. Waterfall यही है, phase wise काम होता है, जब तक पहली phase में काम complete ना हो जाए next step यहाँ पे next phase की working start नहीं होती है। Now we are on what? Now we are on characteristic. Characteristic क्या है water phase के, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो लिखा है, फिर इसके बाद आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक के बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, क्या है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे है आपकी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है, सबसे पहले ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट एक वाटरफॉल मॉडल में होता है वो सिक्वेंशियल फेज में होता है, ये हमने यहाँ भी देखा कि ये सिक्वेंस में काम करता है। तो यहाँ भी वही है कि ये जो ओवरऑल फेज है, ओवरऑल फेज क्या करता है, ओवरऑल फेज वर्क्स इन व्हाट, सिक्वेंशियल फेजेस, ओवरऑल फेज हमारा क्या है, सिक्वेंशियल फेजेस में यहाँ पे काम करता है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक सिक्वेंशियल फेज में डिवाइडेड है, यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा बैकवर्ड जा सकते हैं विथ सम ओवरलैप एंड स्प्लैश बैक एक्सेप्टेड एट डिफरेंट फेजेस।
नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद अगर पुरानी स्टेप में अगर कुछ चेंज करना है, फेज में चेंज करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो प्रोजेक्ट एक सिक्वेंशियल फेज में चलता है, जहाँ पे नेक्स्ट फेज पे हम तभी जाते हैं जब प्रायर फेज कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाँ, ये सिक्वेंशियल फेजेस में डिवाइडेड है, लेकिन सम ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैप, थोड़ा सा स्प्लैश बैक एक्सेप्टेबल है डिफरेंट फेजेस में। सम ओवरलैप स्प्लैश बैक एक्सेप्टेबल है डिफरेंट फेजेस में। फिर आता है ये कहाँ एम्फेसाइज करता है, तो यहाँ पे ओवरऑल एम्फेसिस होता है प्लानिंग पे, टाइम स्केड्यूल पे, टारगेट डेट्स पे, बजट पे, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम एट वन प्लेस। इसका पूरा पूरा ध्यान रहता है कि प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने एक फेज डिज़ाइन कर लिया तो आप दूसरे फेज की तरफ नहीं पहुँच सकते हो, और जाओगे भी तो थोड़ी बहुत चेंजेस कर पाओगे। तो यहाँ बहुत अच्छे से प्लानिंग की जाएगी, टारगेट डेट्स को याद रखा जाएगा, बजट क्रॉस होने के चांसेस है, क्योंकि एक फेज़ बन गया तो वापस उसको आप छेड़ नहीं सकते, तो फिर से ABCD करने के लिए और कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए यहाँ बजट पे ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ टाइम प्लानिंग करेंगे, स्केड्यूल करेंगे टाइमिंग की, टाइम पे हमारा सॉफ्टवेयर या फिर जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो पहुँच जाए। तो यहाँ प्लानिंग पे ध्यान देते हैं, टारगेट डेट्स पे ध्यान देते हैं, कैसे स्केड्यूलिंग करनी है उस पे ध्यान देते हैं, बजट पे, एंड पूरा की पूरा सिस्टम एक प्लेस पे इंप्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम एट वन प्लेस। एंटायर सिस्टम कहाँ? एट वन प्लेस। अब जब यहाँ पे एक फेज़ आपका कंप्लीट हो गया, तो आप उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ बहुत टाइट कंट्रोल चाहिए ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि एक गड़बड़ फिर से इनिशियल फेज पे पहुंचा सकती है, इसलिए टाइट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, बार बार रिव्यू किया जाता है, साइन ऑफ एंड अप्रूवल लिया जाता है कि एक फेज़ बन गया, पहले दिखा लो भाई ये फेज़ ऐसा बना है, यूज़र्स को पसंद है या नहीं। तो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू लिए जाते हैं, फॉर्मल रिव्यू, साइन ऑफ होता है, अप्रूवल होता है, एंड IT मैनेजमेंट ऑकर्स, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अकर करता है एट द एंड ऑफ ईच फेज। हर फेज के बाद IT मैनेजमेंट उसे देखता है। तो तीन चीज़ें, सबसे पहले तो सिक्वेंशियली डिवाइडेड है, और सिक्वेंशियली डिवाइडेड है इसी चक्कर में, इस पर टाइट कंट्रोल है, इसमें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, स्केड्यूल, टाइम स्केड्यूल बनाया जाता है, टारगेट की जाती हैं डेट्स, उसके अलावा यहाँ पे साइन ऑफ एंड अप्रूवल है, साइन ऑफ एंड क्या है, अप्रूवल है, यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्मल रिव्यू है, साइन ऑफ अप्रूवल है, IT मैनेजमेंट हर फेज़ के एंड में किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ ध्यान दिया जाता है प्लानिंग पे, शेड्यूल डेट्स पे, टारगेट पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम एट वन प्लेस, बजट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो ओवरऑल एक बार अगर रिवाइज करें, तो यहाँ पे व्हाट इज़ आर वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। वाटरफॉल कौन सी अप्रोच है हमारी? ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स ऑफ द डिफरेंट डेवलपमेंट टीम वर्क्स इन डिफरेंट फेजेस। यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है? रिक्वायरमेंट का एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, देन कोडिंग एंड टेस्टिंग। और यहाँ पे क्या है, ये वर्क करता है सिक्वेंशियल फेज में, इसका मतलब जब तक प्रायर फेज कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट फेज पे मूव नहीं किया जाता। ये हो गया कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। फिर इसके बाद आती है वाटरफॉल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वाटरफॉल मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोजेक्ट क्या है, सिक्वेंशियल फेज में वर्क करता है। प्रोजेक्ट वर्क इन व्हाट? सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल फेज में क्या करता है, प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो जब सिक्वेंशियल फेज में प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सम स्प्लैश बैक, यहाँ पे क्या है, सम स्प्लैश बैक है, थोड़ा सा स्प्लैश बैक, ये मैंने काटा हुआ, थोड़ा सा स्प्लैश बैक आपको अलाउड है, आपको ओवरलैपिंग अलाउड है, सम स्लैश बैक एंड ओवरलैपिंग इज अलाउड ड्यूरिंग इन दी डिफरेंट फेजेस। ठीक है, अब जब सिक्वेंशियल फेजेस में डिवाइडेड है, इसका मतलब यहाँ पे चाहिए क्या, टाइट कंट्रोल। टाइट कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज नीडेड, जिसमें एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दिया जाएगा। फॉर्मल क्या होंगे? रिव्यू होंगे। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देंगे, फॉर्मल क्या होंगे? रिव्यू होंगे, साइन ऑफ होगा, अप्रूवल होगा, साइन ऑफ अप्रूवल, एंड साथ में IT मैनेजमेंट
कब होगा? एट द एंड ऑफ ईच फेज, एट द एंड ऑफ ईच फेज, ठीक है। फिर यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाता है? इस पे एम्फेसाइज किया जाता है, यहाँ पे प्लानिंग अच्छे से की जाती है, देन टाइम को स्केड्यूल किया जाता है, देन टारगेट डेट होती है। साथ में क्या होता है? टारगेट डेट के बाद, टारगेट डेट हो गई, उसके बाद आप किस पे यहाँ पे ध्यान देते हो? प्लानिंग हो गया, टाइम स्केड्यूल हो गया, टारगेट डेट हो गया, और आपका आ जाता है यहाँ बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम, इम्प्लीमेंटिंग द एंटायर सिस्टम एट वन प्लेस। तो ये हो गई आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक। फिर आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले एक चीज़ समझो, एक एक फेज बनाने के बाद आपको दिखाया जा रहा है, एक एक फेज पहले बनाते हैं फिर उसको आपको दिखाते हैं। इसका मतलब अगर आप लेस एक्सपीरियंस भी हैं, इसका मतलब क्या है, लेस एक्सपीरियंस भी है तो भी काम चलेगा। तो आइडियल फॉर सपोर्टिंग लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टीम, लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टीम के लिए ये अच्छा है। और जब इतने छोटे छोटे फेज में चीज़ें डेवलप होती हैं तो उसे आप मेज़र कर सकते हो। जब छोटे छोटे फेजेस में क्या है, डेवलपमेंट होता है, तो प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट क्या है, मेजरेबल है। इसके बाद जब सिक्वेंशली चीज़ें मेंटेन होती है, तो ऑर्डरली सिक्वेंस जब है, हर चीज़ का ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी सही होगी, एडिक्वेसी है, मेंटेनेबिलिटी है ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले लेग्स एक्सपीरियंस टीम के लिए अच्छा है, और साथ ही में जब सिक्वेंशियल फेज है तो आप मेज़र कर सकते हो, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और जब सिक्वेंशियल फेज मेंटेन होता है, इसका मतलब क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एडिक्वेंसी, मेंटेनेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्या है, मेंटेन होता है क्या, सिक्वेंस किसका, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसका। तो दिस आर दी स्ट्रेंथ, ये हो गई उसकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम एक और बात देखते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल में हमने क्या देखा? वाटरफॉल में हमने देखा, अब ट्रेडिशनल अप्रोच, डेवलपर डिफरेंट फेजेस में वर्क करेंगे, इसमें इंक्लूड होता है रिक्वायरमेंट का एनालिसिस, रिक्वायरमेंट के एनालिसिस के बाद स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के बाद कोडिंग एंड टेस्टिंग होता है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट सिक्वेंशियल फेज में वर्क करता है, तो तब तक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि प्रायर स्टेप एंड ना हो जाए। फिर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में देखा है कि सिक्वेंशियल फेज में जब प्रोजेक्ट वर्क करता है तो इट अलाउज सम ओवरलैप एंड स्प्लैश बैक ड्यूरिंग द इन डिफरेंट फेजेस। फिर यहाँ पे टाइट कंट्रोल रखता है ओवरऑल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में, थ्रू एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, थ्रू फॉर्मल रिव्यू, थ्रू साइन ऑफ एंड अप्रूवल, आईटी मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ ईच फेज, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे एम्फेसिस किया जाता है प्लानिंग पे, टारगेट डेट्स पे, टाइम स्केड्यूल पे, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटायर सिस्टम एट वन प्लेस, बजट पे। फिर यहाँ आता है कैरेक्टरिस्टिक के बाद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये है कि लेस एक्सपीरियंस टीम के लिए ये बहुत अच्छा है। सेकेंड यहाँ है जो डेवलपमेंट है, सिक्वेंस में है तो मेज़र कर सकते हैं, और दूसरा सिक्वेंस जब मेंटेन होती है तो रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी, मेंटेनेबिलिटी और आपकी क्वालिटी जो है सिक्वेंस की, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो दिस आर दी स्ट्रेंथ। अब आते हैं हम वीकनेस पे। अब वीकनेस क्या है? तो वीकनेस ये है, तो बहुत 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 ध्यान से और बहुत इजीली हम कर पाएंगे। देखो वीकनेस कैसे, एक बार जो चीज़ ये समझना, ये हमारा सॉफ्टवेयर का एक फेज है, दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का फेज है। अब सबसे पहली चीज़, एक बार बन गया तो इसमें सिर्फ छोटे छोटे थोड़े से आप चेंजेस ही कर सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इनफ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और अगर इसमें चेंज करने हैं तो मुझे बहुत सारा फिर से पैसा लगाना पड़ सकता है, जिससे क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस भी है, कॉस्टली भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनफ्लेक्सिबल है, ये कॉस्टली है, ये स्लो है। तो इनफ्लेक्सिबल, स्लो, कॉस्टली, और कहीं ना कहीं क्या है, एक कम्बरसम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइट कंट्रोल की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, यूज़र ने रिक्वायरमेंट सही नहीं ढंग से नहीं बता पाया कुछ भी, तो फेज बिगड़ने के चांसेस हैं। तो टाइट कंट्रोल होने के कारण ये कौन सी प्रोसेस है, क्यों
कंबर्सम प्रोसेस है, मतलब बर्डन वाली प्रोसेस है. तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. एक बार फेस बन गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो वी कैन से इट इज इनफ्लेक्सिबल, इट इज कॉस्टली, राइट, इट इज स्लो एंड क्यूम्बरसम. इट इज अ क्यूम्बरसम प्रोसेस ड्यू टू टाइट कंट्रोल. तो क्यूम्बरसम ड्यू टू द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर एंड टाइट कंट्रोल. तो ये तो हो गया आपका पॉइंट फर्स्ट. एंड दिस इज लॉजिकल कि फेस एक बार बन गया तो उसे फिर से चेंज करना मुश्किल है, मतलब इनफ्लेक्सिबल है. और ये जब चेंज करना मुश्किल है, मतलब रीस्टार्ट करो तो स्लो भी है, कॉस्टली भी है, एंड टाइट कंट्रोल है, तो इट इज़ अ क्यूम्बरसम प्रोसेस. ठीक है, फिर इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है, एक बार ये फेज बन गया तभी नेक्स्ट फेज बनेगा. ठीक है, एक बार ये फेज बन गया तभी क्या होगा, ये नेक्स्ट फेज बनेगा. इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इट मूव्स फॉरवर्ड. तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड विथ स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड. एक बार नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी तो फर्स्ट वाले में आप मिनिमम चेंजेस कर सकते हो, पूरी तरह उसको चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है, स्लाइट बैकवर्ड आता है. स्लाइट क्या आता है, बैकवर्ड आता है, ओनली स्लाइट बैकवर्ड. तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट फॉरवर्ड जाता है, सिर्फ स्लाइड बैकवर्ड आता है. तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड विथ स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड. प्रोजेक्ट मूव्स फॉरवर्ड विथ ओनली स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जो आपने क्या किया है, ये फेज बनाया है, ये जो आपने फेज बनाया है, ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि आपने क्या रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, क्या आइडेंटिफिकेशन किया स्पेसिफिकेशन को. तो ये जो फेज है ये डिपेंड करेगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे. अब एक चीज़ बताओ, ये फेज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो आइडेंटिफाई की, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. अब कई बार जो यूज़र्स हैं उन्हें ही क्लियरली नहीं पता होता है अर्ली स्टेज पे कि उन्हें चाहिए क्या. ठीक है, तो फेज बिगड़ने के चांसेस हैं. तो यहाँ पे क्या है, इट डिपेंड्स ऑन अर्ली, ये डिपेंड करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन. इट डिपेंड्स ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्लस स्पेसिफिकेशन. अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्लस जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है चार्ट्स में, दैट इज़ एंड. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा. हाउएवर मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यूजर एट अर्ली फेज डोंट नो दैट वॉट एग्जैक्टली दे रिक्वायर. सो यूज़र आर अनेबल टू क्लियरली डिफाइन वॉट दे नीड एट अर्ली स्टेज. तो यूज़र एट अर्ली स्टेज अनेबल टू डिफाइन देयर नीड्स, अनेबल टू डिफाइन इट, वो नहीं डिफाइन कर सकते. और वो जब ढंग से डिफाइन ही नहीं कर सकते तो फेज गड़बड़ हो सकता है. तो सबसे पहले एक तो ये कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे क्या डिपेंड करता है, ये फेज डिपेंड करता है. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी ओवर हियर एंड यूजर एट अर्ली स्टेज मे बी अनेबल टू डिफाइन इट. तो ये पूरी तरह वाटरफॉल उस पर डिपेंड करता है. अब जब अगर गड़बड़ हुई तो ये इनफ्लेक्सिबल है, ये कॉस्टली है, ये स्लो है एंड टाइट कंट्रोल के कारण क्यूम्बरसम है. और दूसरी चीज़, ये एक बार फॉरवर्ड जाता है तो स्लाइट मूवमेंट इसका बैकवर्ड होता है. ये कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है. अब अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट तो इनकन्सिस्टेंट हो सकती है. इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरी थोड़ा ना कि रिक्वायरमेंट एक एक सही सही बता दी जाए. तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं. तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसी अगर है, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसी, तो रिक्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसी के कारण मिसिंग सिस्टम कंपोनेंट, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, ये ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग डिस्कवर किए जाते हैं. रिक्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसी है तो रिक्वायरमेंट की इनकन्सिस्टेंसी से कई ऐसा होगा कि मिसिंग कंपोनेंट्स होंगे, देयर विल बी व्हाट मिसिंग कंपोनेंट्स, और कई जगह अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट. और ये पता कब चलता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग व्हाट ऑफ्टन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग. अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होंगे और ये पता चलता है ड्यूरिंग डिज़ाइन
प्लस कोडिंग, डिज़ाइन एंड कोडिंग के टाइम ये पता चलता है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पर, रिक्वायरमेंट अर्ली स्टेज में हो सकता है यूज़र ना बता पाए, रिक्वायरमेंट की इनकंसिस्टेंसी है, रिक्वायरमेंट की इनकंसिस्टेंसी है तो कई बार मिसिंग कंपोनेंट्स एंड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग क्या किए जाते हैं, ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग हमें पता चलते हैं। अब एक बार जो फेज़ बन गया वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक बार जब ये आगे बढ़ गया तो स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो इनफ्लेक्सिबल है, कॉस्टली है, स्लो है, टाइट कंट्रोल है, तो किम्बर्सम है। तो दिस आर द फोर पॉइंट्स दैट आर इन इंटरलिंकेज, ठीक है। ये फोर पॉइंट्स इंटरलिंकेज में क्या है, वीकनेस है। अब एक चीज़ बताओ, सिस्टम की डिज़ाइन कोडिंग पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम कई बार डिस्कवर तब तक नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो तब तक भी डिस्कवर नहीं होगी जब तक तो पूरा सिस्टम टेस्ट नहीं हो। फेज वाइज वर्क कर रहा है, लेकिन जब तक पूरा सिस्टम आप टेस्ट नहीं करेंगे तो अनटिल सिस्टम टेस्टिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अनडिस्कवर्ड रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ्टन डिस्कवर्ड अनटिल सिस्टम टेस्टिंग। जब तक सिस्टम टेस्टिंग नहीं होगी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड रह सकती हैं, जो क्या रह सकते हैं, अनडिस्कवर्ड। तो सिस्टम प्रॉब्लम जो है, सिस्टम टेस्टिंग तक कई प्रॉब्लम्स अनडिस्कवर्ड रह सकती हैं। फिर सिस्टम परफॉर्मेंस कांट बी टेस्टेड अंटिल सिस्टम ऑलमोस्ट फुल्ली कोडेड। और ये बात है कि जब तक सिस्टम फुल्ली कोड नहीं हो जाता, अब इसी से लिंक में ले लो, सिस्टम की टेस्टिंग नहीं होगी बहुत सारे प्रॉब्लम अनडिस्कवर्ड रहेंगे, और सिस्टम तब तक पूरा टेस्ट नहीं हो सकता, सिस्टम की परफॉर्मेंस पूरी तब तक टेस्ट नहीं कर सकते जब तक फुल्ली कोडेड नहीं हो जाए। अंडर कैपेसिटी डिफ़िकल्ट टू करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ कैपेसिटी कम है तो वो करेक्ट नहीं हो सकती। तो सिस्टम जब तक पूरा टेस्ट नहीं हो सकता, जब तक सिस्टम की परफॉर्मेंस को हम तब तक टेस्ट नहीं कर सकते, सिस्टम के परफॉर्मेंस को जब तक टेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि सिस्टम ऑलमोस्ट फुल्ली कोडेड ना हो। जब तक क्या है, सिस्टम फुल्ली कोड ना हो जाए तब तक टेस्ट कैसे करोगे। तो जब तक फुल्ली कोडेड नहीं है तब तक टेस्ट करना भी मुश्किल है, तो अंडर कैपेसिटी करेक्ट करना मुश्किल है, तो अंडर कैपेसिटी जो है दैट उसका करेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है, और अर्ली फेज में यूज़र सही बता पाए ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट इनकंसिस्टेंस है तो कई बार मिस, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट के कारण मिसिंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आता है जो ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। फिर सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम अनडिस्कवर्ड रह जाती है। यहाँ पे एक सेकेंड तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब क्या हुआ, एक बार फॉरवर्ड चला गया अगर हमारा ये प्रोजेक्ट, तो उसको बैकवर्ड सिर्फ स्लाइटली आप ले जा सकते हो। अब इसका मतलब चेंजेस अगर आपको करने हैं तो ये बहुत इनफ्लेक्सिबल है, कॉस्टली है, क्यूमर्सम है और स्लो है। यहाँ पे ओवरऑल अगर सिस्टम जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे प्रॉब्लम कई बार तो वहाँ पे भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, और प्रॉब्लम पूरा ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए पूरी तरह कोडेड भी होना चाहिए, सिस्टम फुल्ली कोडेड होना चाहिए। अंडर कैपेसिटी तब तक आप करेक्ट नहीं कर सकते, अंडर कैपेसिटी तब तक क्या नहीं हो सकती, करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑल हम ये कह सकते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस विच ऑकर लेटर इन लाइफ साइकिल एंड प्रूव्स कॉस्टली एंड डिस्करेजेस। इसका मतलब लेटर इन लाइफ साइकिल अगर कोई चेंजेस आते हैं, लेटर इन लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर, लेटर इन लाइफ साइकिल अगर क्या आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं, तो वो करना कहीं ना कहीं क्या है, डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड। सो डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस दैट ऑफर लेटर इन लाइफ साइकिल, और इस कारण से ये क्या है, कॉस्टली भी है एंड डिस्करेज होता है, कॉस्टली भी है और कहीं ना कहीं इसे डिस्करेज इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि बाद में से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और जब इतनी सारी डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन होता है,
ताकि इंटीग्रिटी रहे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे इस कारण से क्या है, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन है। और जब एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन है क्यों, ताकि अश्योर हो इंटीग्रिटी, ताकि अश्योर हो क्या, इंटीग्रिटी। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, फिर इसके बाद नाइन्थ आपका क्या आता है, इसके बाद नाइन्थ आपका आता है, कहीं ना कहीं ये प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब यूज़र पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती, तुम ढंग से बताओ हमको चीज़ें। यूज़र बोलेगा हमने तो ढंग से बताई थी, तुम एक्सपीरियंस से तुम समझ नहीं पाए क्या हमारी रिक्वायरमेंट। सो कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट व्हाट, इट प्रमोट गैप। ये क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट गैप। गैप किसके बीच में प्रमोट कर रहा है, गैप बिटवीन द डेवलपर एंड यूज़र, डेवलपर एंड यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप कर रहा है। प्रमोट गैप बिटवीन द यूज़र एंड डेवलपर विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविज़न। कहीं ना कहीं डेवलपर यूज़र के बीच में गैप आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविज़न को लेके, किसको लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविज़न को लेके। सो व्हाट यू कैन डू, दिस इज़ वाटरफॉल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट लॉजिकली। लॉजिकली अगर आप इसके वीकनेस देखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, स्ट्रेंथ भी देखोगे इजीली याद हो जाएगा। तो लेट अस रिवाइज दिस वीकनेस थ्रू द चार्ट। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि अगर एक फेज बन जाता है, वो याद रखो मैंने ग्रीन में क्या बनाया था, यहाँ पे फेज बनाया था। ठीक है, ये फेज एक बार बन गया, ठीक है, तो वंस द फेज इज मेड, उसे चेंज करना मतलब ये इनफ्लेक्सिबल है और फिर से बनाना है तो स्लो कॉस्टली प्रोसेस है एंड क्यूम्बरसम है। क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर मेन बनने वो बन जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं टाइट कंट्रोल है। प्रोजेक्ट ये सिर्फ फॉरवर्ड प्रोग्रेस करेगा विथ स्लाइट बैकवर्ड मूवमेंट, स्लाइट बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ये डिपेंड करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे, इवन इफ यूजर अनेबल टू क्लियरली डिफाइन द नीड एट अर्ली स्टेज। ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर इनकंसिस्टेंट है तो मिसिंग कंपोनेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नीड है जो डिस्कवर किया जाता है ड्यूरिंग डिजाइन एंड कोडिंग। प्रॉब्लम ऑफन डिस्कवर्ड अंटिल सिस्टम टेस्टिंग, जब तक सिस्टम टेस्टिंग नहीं हो प्रॉब्लम डिस्कवर करना मुश्किल है। सिस्टम परफॉर्मेंस कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल ऑलमोस्ट फुल्ली कोडेड, सिस्टम की परफॉर्मेंस आप तब तक टेस्ट नहीं कर सकते जब तक इसको पूरी तरह से कोडिंग नहीं हो जाती। कैपेसिटी डिफिकल्ट टू करेक्ट, अंडर कैपेसिटी है तो करेक्ट करना डिफिकल्ट है। चेंजेस अगर लेटर इन द लाइफ साइकिल आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टली हैं और डिस्करेज करते हैं। एक्सेसिव यहाँ पे क्या, डॉक्यूमेंटेशन है, अपडेशन है, क्यों अपडेशन बहुत करते हैं ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। गैप प्रमोट करता है यूजर डेवलपर के बीच में विद द क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट डिविजन, विद क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट डिविजन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वाटरफॉल। ये ओवरऑल क्या किया, अभी हमने वाटरफॉल फेज को डिस्कस किया है, दिस इज ऑल डिस्कशन अबाउट वाटरफॉल फेज। सिस्टम डेवलपमेंट है तो दो कंपोनेंट होते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन, जो हमने पहले यहाँ पे किया एनालिसिस एंड डिजाइन। फिर वाटरफॉल अप्रोच हमने पूरी स्टार्ट की एंड यहाँ पे वाटरफॉल होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, ये हमने किए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन स्पाइरल, जस्ट एक 1 मिनट ब्रेक। पहले इसको आप इसके कीवर्ड्स को लिख लो, यही याद कर लो, इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको एक बार कीवर्ड्स को लिख लो, फिर वी विल मूव टू स्पाइरल, स्पाइरल में क्या है, फिर हम वो लर्न करते हैं। ठीक है, स्पाइरल, अब स्पाइरल क्या है, तो स्पाइरल तब तक पूरे डेवलपमेंट को कहता है जब तक कि रिस्क नेलीफाई नहीं हो जाती। तो स्पाइरल को हम बोलते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल। स्पाइरल किसका कॉम्बिनेशन है, प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। जब रिस्क ज़्यादा है तो आप तब तक काम कर रहे हैं जब तक रिस्क नलीफाई ना हो जाए, यू आर वर्किंग टिल रिस्क गेट नलीफाई। दैट मीन्स इट इज लार्ज प्रोजेक्ट, इट इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, इट इज इंटेंडेड फॉर लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। ये कहीं ना कहीं लार्ज एक्सटेंसिव कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए है। फर्स्ट प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिजाइन, प्रीलिमिनरी छोटे मोटे जो आपने चीज़ें रिक्वायरमेंट्स बोली हैं उससे एक प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बनाया जाता है।
प्रीलिमिनरी डिज़ाइन इवेल्युएट करता है सारे कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स को इस डेवलपमेंट के लिए, सूटेबल स्ट्रेटेजी क्या होगी वो देखता है, ये फेज आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व करता है पॉसिबल रिस्क इन दी प्रोजेक्ट. इफ रिस्क इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन रिक्वायरमेंट देन प्रोटोटाइप इज यूज टू डील विद द पोटेंशियल चेंजेस. स्पाइरल जो है, स्पाइरल तब तक वर्क करेगा जब तक रिस्क पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, नलीफाई नहीं हो जाए. वही चीज़ याद ये, सबसे पहले ये कहा गया है, सबसे पहले क्या गया कहा है, जस्ट अ मिनट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है, तो सबसे पहले ये कहा है कि एक सेकेंड, ये प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है. प्रोटोटाइपिंग भी चलेगा, वाटरफॉल मतलब फेज वाइज तो काम चलेगा, लेकिन प्रोटोटाइपिंग में कैसे साइन ऑफ अप्रूवल चेंजेस वगैरह करने फेज में आप कर सकते हैं, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो स्पाइरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल. स्पाइरल किसका कॉम्बिनेशन है, प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है. एंड यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, लार्ज है, तभी इसे यूज़ किया जा रहा है कि रिस्क ना रहे. रिस्क कब आप नलीफाई करेंगे, जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. तो बड़ा प्रोजेक्ट है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो लार्ज एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, इसीलिए स्पाइरल यूज़ होता है. यहाँ प्रीलिमिनरी डिज़ाइन के थ्रू फर्स्ट प्रोटोटाइप, ओवरऑल जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी एनालिसिस प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट किया जाता है. प्रोटोटाइप इज व्हाट, प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिज़ाइन. प्रोटोटाइप क्या है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रीलिमिनरी डिज़ाइन से. अब प्रीलिमिनरी डिज़ाइन इवेल्युएट करता है ऑल कॉस्ट अल्टरनेटिव फॉर सिस्टम डेवलपमेंट. ऑल द कॉस्ट अल्टरनेटिव जो है सिस्टम डेवलपमेंट की, वो प्रीलिमिनरी एनालिसिस से डिज़ाइन होता है. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग. इट इज़ वॉट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल. प्रोटोटाइप वाटरफॉल का कॉम्बिनेशन है, प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बनाया जाता है. प्रीलिमिनरी क्या है, डिज़ाइन इवेल्युएट करता है सारे कॉस्ट ऑल्टरनेटिव को. ये प्रोजेक्ट लार्ज एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए इस मैथड को यूज़ किया जाता है. एंड कहीं ना कहीं ये प्रीलिमिनरी डिज़ाइन जो है इसके थ्रू, तो हम क्या बोल रहे थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. स्पाइरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल, राइट. स्पाइरल कब यूज होता है, स्पाइरल इज यूज वेयर द प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड, लार्ज एंड एक्सपेंसिव. प्रोजेक्ट लार्ज कॉम्पिटेटिव कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव है, तब यूज होता है. फर्स्ट प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिजाइन. सबसे पहला जो प्रोटोटाइप है वो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन जो है, आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया उससे पता चलता है. सो द फर्स्ट प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिज़ाइन. और ये जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है इसमें इवेल्युएशन होता है ऑल द कॉस्ट अल्टरनेटिव फॉर सिस्टम डेवलपमेंट. ये डिसाइड करता है फिर कॉस्ट अल्टरनेटिव अगर देख रहा है तो उसमें सूटेबल स्ट्रेटेजी क्या होगी वो डिज़ाइन करे, वो डिसाइड करेगा. ये फेज आइडेंटिफाई करता है, रिजॉल्व करता है पॉसिबल रिस्क क्या है प्रोजेक्ट में, और अगर कोई अनसर्टेनिटी दिखती है रिक्वायरमेंट में तो प्रोटोटाइप के थ्रू उसमें पोटेंशियल चेंजेस किए जाते हैं. सबसे पहले क्या है, स्पाइरल कॉम्बिनेशन प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मॉडल का, राइट. ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल. अब ये कब यूज होता है, दिस इज यूज फॉर लार्ज एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट. लार्ज एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए ये यूज होता है. इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद ये है, यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रोटोटाइप डिजाइन किया जाता है. अब ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है ये किसके बेसिस पे डिजाइन हो रहा है, फर्स्ट प्रोटोटाइप प्रीलिमिनरी डिज़ाइन के थ्रू हो रहा है. प्रीलिमिनरी डिज़ाइन के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होता है, प्रीलिमिनरी
डिज़ाइन, ये प्रीलिमिनरी डिज़ाइन क्या करता है, ये प्रीलिमिनरी डिज़ाइन ऑल कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, ऑल कॉस्ट ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूएट करता है, और जब कॉस्ट ऑल्टरनेटिव इवेल्यूएट हो रहे हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट। इसके बाद भी अगर रिस्क है, इफ़ रिस्क इंडिकेट, यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले आइडेंटिफाई रिजॉल्व किया जाता है पॉसिबल रिस्क इन प्रोजेक्ट, और यहीं पे जब ये इवेल्यूएशन होता है, बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, इसके बाद जो ये फेज़ है इसमें रिस्क क्या है, पॉसिबल रिस्क क्या है प्रोजेक्ट में, उसे इवेल्यूएट भी किया जाता है एंड रिजॉल्व भी किया जाता है। इट इज़ इवेल्यूएटेड, इट इज़ रिजॉल्व, आइडेंटिफाई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। फिर भी अगर कुछ अनसर्टेनिटी है, इफ अभी भी क्या है, रिस्क इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी इन रिक्वायरमेंट, अनसर्टेनिटी है, रिस्क इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। इफ़ द रिस्क, ये जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करी और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि अभी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह नहीं बताई गई हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो पॉसिबल चेंजेस भी किए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉसिबल चेंज किए जाते हैं किसके थ्रू, प्रोटोटाइपिंग को यूज़ करके पॉसिबल चेंजेस किए जाते हैं इन रिक्वायरमेंट। दिस इज़ व्हाट स्पाइरल। अब यहाँ पे होता क्या है, द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड प्रोटोटाइप स्टेप क्या है, सबसे पहले फर्स्ट प्रोटोटाइप की जो भी, यहाँ पे फर्स्ट प्रोटोटाइप की जो भी क्या थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी, व्हाट जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस थी किसकी, फर्स्ट प्रोटोटाइप की स्ट्रेंथ वीकनेस रिस्क थी, वो इवेल्यूएट होगी। इससे रिक्वायरमेंट सेकेंड प्रोटोटाइप की पता चलेगी, फिर प्लान करेंगे सेकेंड प्रोटोटाइप को, डिज़ाइन करेंगे एंड कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट करेंगे सेकेंड प्रोटोटाइप को। तो सबसे पहले क्या होगा, सेकेंड प्रोटोटाइप के लिए फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है, फर्स्ट प्रोटोटाइप की स्ट्रेंथ वीकनेस आप चेक करेंगे। द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द फर्स्ट प्रोटोटाइप इज इवेल्यूएटेड अलॉन्ग विद द रिस्क, SWR, स्ट्रेंथ वीकनेस रिस्क इवेल्यूएट करेंगे। इसके बेसिस पे सेकेंड की आपको रिक्वायरमेंट पता चलेंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेकेंड प्रोटोटाइप में। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, प्लान एंड डिज़ाइन करेंगे, प्लान प्लस डिज़ाइन करेंगे सेकेंड प्रोटोटाइप, एंड देन उसको कंस्ट्रक्ट, प्लान डिज़ाइन करने के बाद उसे कंस्ट्रक्ट करोगे एंड क्या करोगे, टेस्ट करोगे। दिस इज़ वॉट स्पाइरल इज, दिस इज़ वॉट स्पाइरल इज। अब स्पाइरल में भी क्या है, कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, स्पाइरल के भी कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ क्या है, वीकनेस हैं। तो अब समझना, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, स्पाइरल फोकस करता है रिस्क पे, इसका मतलब यहाँ अवॉइड होती है रिस्क। इट एनहांसेज द रिस्क अवॉइडेंस बिकॉज इंटायरली द स्पाइरल इज फोकसिंग ऑन रिस्क, सो रिस्क अवॉइड होती है। Useful in optimal development of a given software with iteration based on project risk. Project risk के basis पे overall software design किया जा रहा है, तो optimal development होता है software का, that is based on project risk. Risk avoid करता है and it gives the optimal development of the software that is based on project risk, और साथ में provide करता है guidance as to which combo of model that best fits for the software. इटरेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क के बेस पे ही देखो कितनी चीज़ें। सबसे पहले रिस्क के बेसिस पर ये बताने की कोशिश, रिस्क अवॉइड करेगा, इट एनहांसेस द रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क अवॉइडेंस का इसका काम है, और साथ में ओवरऑल जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है ऑप्टिमल क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोजेक्ट की कैसे रिस्क है उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है। तो बेस्ड ऑन रिस्क कहीं ना कहीं वो ये भी गाइड करता है कौन से मॉडल का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, विच कॉम्बो ऑफ द मॉडल टू बी यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर इटरेशन। रिस्क के बेसिस पे बताएंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज़ करने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क है तो वाटरफॉल पे आ जाओ, और अगर रिस्क कैसी है, प्रोजेक्ट विथ यूज़र रिक्वायर रिस्क, मतलब इतनी नहीं है रिस्क, हाई लेवल रिस्क है वाटरफॉल पे आओ, इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं है तो प्रोटोटाइप पे आ जाओ। तो यहाँ पे कितनी रिस्क है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क को अवॉइड करेगा, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोजेक्ट के रिस्क के ऊपर ही है। साथ ही साथ यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन यूज़ होगा सॉफ्टवेयर इटरेशन के लिए, ये टाइप ऑफ रिस्क पे है, हाई बजट है रिस्क, हाई बजट रिस्क है वाटरफॉल यूज़ करो, यूज़र रिक्वायर रिस्क है तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर रिस्क है तो यहाँ,
और यहाँ पे अगर हाई रिस्क है, हाई बजट यूजर रिक्वायर रिस्क है, तो प्रोटोटाइप, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? तो यहाँ देखो, वॉटरफॉल में लेस एक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन जब यहाँ रिस्क इतनी ज़्यादा है तो आप लेस एक्सपीरियंस टीम को यूज़ नहीं करोगे। मतलब स्किल्ड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड क्या चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस भी है कि आपको एकदम स्किल्ड लोगों को ही ढूंढना होगा। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है फॉर मूविंग फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, विच कुड लीड टू मोर वर्क फॉर नेक्स्ट साइकिल। रिस्क आती जा रही है, आती जा रही है, एक चीज़ बनाई, दूसरी रिस्क आ गई, ऐसा है। तो यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे जाने के लिए देर इज़ नो कंट्रोल, एंड दैट कुड लीड टू मोर वर्क फॉर नेक्स्ट साइकिल। बहुत कस्टमाइज्ड है ये जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत कस्टमाइज है। इसका मतलब हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, फिर से रीयूज़ करे ज़रूरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट्स चैलेंजिंग टू डिटरमाइन, और ऐसा एकदम डिटरमाइन करना कि एग्जैक्टली कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, विच कॉम्पोजिशन ऑफ डेवलपमेंट मेथड टू बी यूज फॉर ईच इटरेशन, ये एक चैलेंजिंग है। जैसे यहाँ बोला ना, ये प्रोवाइड कर देता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें, तो ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली डिटरमाइन करना ही इज ऑल्सो अ चैलेंज। एंड देर इज नो डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू, कोई डेडलाइन नहीं है, प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता है विथ नो क्लियर टर्मिनेशन कंडीशन, कहीं ना कहीं नॉट मीटिंग द बजट हो सकता है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेज पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ही चाहिए, स्किल्ड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन डिफाइन कर पाना अपने आप में डिफिकल्ट है, बहुत कस्टमाइज है, तो ज़्यादा आप ये इसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी होगा। कोई कंट्रोल नहीं है एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने में, दूसरी साइकिल में और वर्क भी हो सकता है, और कोई डेडलाइन नहीं है प्रोजेक्ट कब तक कंटिन्यू होगा, कोई टर्मिनेशन नहीं है, क्लियर टर्मिनेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, नॉट मीटिंग द प्रोजेक्ट बजट, ऐसा हो सकता है, ये रिस्क आ सकती है। तो दिस इज व्हाट स्पाइरल, स्पाइरल क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, बिना देखे हम एक बार बोलते हैं, स्पाइरल क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, स्पाइरल कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल प्रोटोटाइपिंग का। कहाँ यूज होता है, लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में यूज होता है। यहाँ पे प्रीलिमिनरी डिज़ाइन के थ्रू क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाता है, एंड दिस प्रोटोटाइप और प्रीलिमिनरी डिज़ाइन जो है, इट इवेल्युएट्स ऑल द कॉस्ट स्ट्रेटेजी, ऑल द कॉस्ट सॉरी ऑल्टरनेटिव, और उसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी इज चूज विच कुड बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन दिस फेज रिस्क इज आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, एंड बेस्ड ऑन रिस्क, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट इनकंसिस्टेंसी, रिक्वायरमेंट इनकंसिस्टेंसी है, तो पर्टिकुलर चेंजेस आर मेड। यहाँ पे क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट रिस्क। फिर सेकेंड प्रोटोटाइप में क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रोटोटाइप में जो बना है तो उसके स्ट्रेंथ वीकनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन डिज़ाइन करने की हमारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनती है, रिक्वायरमेंट लिस्ट फॉर सेकेंड प्रोटोटाइप, फिर उसे डिज़ाइन किया जाता है, कोड किया जाता है, फिर फाइनली उसको कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट किया जाता है। फिर इसमें आते हैं डायरेक्ट हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है क्योंकि ये पूरा रिस्क बेस्ड है, तो ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है, रिस्क को अवॉइड करता है, एंड एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है मॉडल का, ताकि रिस्क को अवॉइड किया जा सके। फिर इसके वीकनेस पे आते हैं, वीकनेस ये है कि स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाना कि एग्जैक्ट क्या कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, वो भी एक चैलेंजिंग क्या है, जॉब है। फिर ये क्या है, रिस्क इतना ज़्यादा कस्टमाइज है कि कॉम्प्लेक्स भी है, एंड रीयूजबिलिटी इसकी कहीं ना कहीं क्या है, नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ कोई क्लियर डेडलाइन नहीं है, देर इज़ नो क्लियर डेडलाइन, क्योंकि एक क्या होता है कि वर्क करता जाता है, क्लियर डेडलाइन नहीं है। कई बार क्या होगा, प्रोजेक्ट बजट ना मीट कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई क्लियर डेडलाइन नहीं है, प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकता है, नो क्लियर टर्मिनेशन कंडीशन। फिर आता है एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे मूव करते वक्त, ऐसा कोई एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो एग्जैक्ट कंट्रोल, एक साइकिल से दूसरे साइकिल मूव करते वक्त क्या हो सकता है
कि और वर्क हो सकता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरल, दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरल. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रेड, एजाइल, इंक्रीमेंटल. अभी बहुत सारे बचे हैं हमारे. सो अभी हम अब आएंगे सिर्फ रेड पे. रेड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम एजाइल इंक्रीमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग को लर्न करेंगे. आई होप दिस चार्ट्स विल ऑल्सो बेनिफिट यू एज वेल एज दिस लर्निंग लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 आई वुड बी अपलोडिंग. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बिकॉज अदर देन दिस जो भी हमारे चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट पीएम अपलोडेड हैं, ओवरऑल पीएम है. इन केस अगर मुझे लगा तो हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे, बट दैट इज़ नॉट इन सर्टेनिटी. चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 नहीं था तो बेसिकली दैट आई एम अपलोडिंग. ओके.